अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने भारत और रूस का नाम लेकर एक ऐसा बयान दिया है जो पाकिस्तान का खून सुखा देगा। तालिबान के लिए ताकतवर मुस्लिम देश संयुक्त अरब अमीरात से भी एक ऐसी खबर आई है जिसे सुनकर पाकिस्तान को हार्ट अटैक आ जाएगा। पाकिस्तान की बर्बादी वाली ये खबर जबरदस्त है। शुरुआत रूस पर तालिबान के ऐलान से करते हैं। आपको याद होगा कि अफगानिस्तान की तालिबान सरकार ने कुछ दिन पहले ही पाकिस्तान को अपने हथियारों के दर्शन करवाए थे। तालिबान के हाथ वो सभी हथियार लग चुके हैं जो भारत ने पिछली अफगान सरकार को दिए थे और अमेरिकी सरकार अफगानिस्तान से जाते समय पीछे छोड़ गई थी, मगर अब तालिबान रूस के पास पहुंच गया है। तालिबान ने रूस से ऐसा हथियार मांगा है जो पाकिस्तान को पूरी तरह से बर्बाद कर देगा। दरअसल तालिबान ने कहा है कि उसके पास पाकिस्तान पर हमला करने के लिए तो काफी हथियार हैं, मगर पाकिस्तानी हमलों को रोकने के लिए कोई अचूक हथियार नहीं है। इसीलिए तालिबान की सरकार ने रूस से कहा है कि वो अफगानिस्तान की सेना के लिए एक जबरदस्त एयर डिफेंस सिस्टम दे। जानकारी के लिए बता दें कि रूस के पास कई तरह के एयर डिफेंस सिस्टम हैं, जिनमें टॉर, पेंसर S1, S75, S200, S300, S400 ट्रायम्फ और S500 शामिल हैं। तालिबान ने रूस से ये मांग ऐसे समय पर की है जब पाकिस्तानी वायुसेना के फाइटर जेट और किलर ड्रोन्स लगातार अफगानिस्तान की एयर स्पेस में घुसकर TTP के ठिकानों पर हमला कर रहे हैं। ऐसे में अफगानिस्तान की रक्षा करने के लिए तालिबान ने कहा है कि हमें रूस का एयर डिफेंस सिस्टम चाहिए, ताकि उस एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल करके हम पाकिस्तान के फाइटर जेट्स और किलर ड्रोन्स को उड़ा सकें। रूस अगर तालिबान की इस मांग को मान जाता है तो पाकिस्तान बर्बाद हो जाएगा। बहरहाल इसी बीच तालिबान ने भारत को लेकर भी एक बड़ा बयान दिया है। तालिबान ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान के लिए अब तक जो कुछ किया है, हम उसके लिए धन्यवाद कहना चाहते हैं। तालिबान ने पाकिस्तान के कराची पोर्ट की जगह अब पूरी तरह से भारत द्वारा ईरान में चलाए जा रहे चाबहार पोर्ट का इस्तेमाल शुरू कर दिया है। तालिबान ने कहा है कि भारत ने अफगानिस्तान के पुनर्निर्माण और पुनर्वास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। भारत ने अफगानिस्तान के कई महत्वपूर्ण क्षेत्रों में निवेश भी किया है। तालिबान ने आगे कहा कि भारत ने मानवीय सहायता के रूप में अफगानिस्तान को अनाज, दवाइयों और कई जरूरी सामानों की आपूर्ति भी की है, इसलिए हम भारत को थैंक यू बोलना चाहते हैं। रूस और भारत का जिक्र करने के बाद तालिबान के लिए संयुक्त अरब अमीरात से भी धमाकेदार खबर आई है। संयुक्त अरब अमीरात ने तालिबान के डिप्लोमेट को राजदूत के रूप में स्वीकार कर लिया है, यानी संयुक्त अरब अमीरात ने तालिबान को मान्यता दे दी है। अब संयुक्त अरब अमीरात तालिबान के दूत को स्वीकार करने वाला चीन के बाद दूसरा देश बन गया है, यानी जो तालिबान पाकिस्तान को रोज मार रहा है, उसी तालिबान को पाकिस्तान के करीबी कहे जाने वाले चीन और संयुक्त अरब अमीरात ने गले लगा लिया है।